मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये मेरा शॉर्ट व्लॉग है और आए अभी हम, मेरे साथ चलते हैं, फिर हम आपको बताते हैं ये व्लॉग किस चीज के। मेल भाई आ जाओ यार, चलें, आ जाओ, उठो 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 उठो, बस निकलना है, टाइम नहीं यार भाई, बस उठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो यार, आ जाओ। चलें दोस्तों, अभी हम ये लोग तो सहे हुए हैं, उनकी तरह आप लोग भी सहे हुए हैं। और आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं जा रहा हूं इस टाइम फलस्तीन की मदद करने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पागल बंदा है, ये फलस्तीन की मदद कैसे करेगा। यार बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है फलस्तीनी बच्चों की मदद करना, जो वहाँ पे बगैर किसी मतलब कसूर के मारे जा रहे हैं। उनका कोई कसूर नहीं है और वो मारे जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो लोग मुसलमान हैं और हम लोग मज़े कर। ईद सेलिब्रेट की जा रही है, घर में पार्टियाँ की जा रही हैं, मुख्तलिफ डिशेज बनाई जा रही होंगी, मज़े किए जा रहे होंगे, और भी बहुत ऐसे काम है जो मतलब उस सोच से अलहदा रह के किया जा सकता है। ये हमारे माइंड में बिल्कुल नहीं है कि मुसलमान मर रहे हैं, छोटे छोटे चुने मुने बच्चे मर रहे हैं और मुफ्त में उनके कत्ल हो रहे हैं। मतलब ऐसी बातें हम सुनते भी हैं ना, कोई रील आ जाए, कोई वीडियो आ जाए, ये आगे होगी आगे होगी। बस ये हमारा काम है बेड पर बैठकर सिर्फ ये बात करना, यार सिर्फ क्या कर सकते हैं यार, बहुत जुल्म हो रहा है। बस ये मुंह से हम अपने अल्फाज निकाल सकते हैं, उसके अलावा हम कर कुछ नहीं कर सकते। कहीं भी जाएंगे, गर्मी लग रही होगी, प्यास लग रही होगी, कोक दे दो यार, पेप्सी दे दो, भूख लग रही होगी, लेज वगैरह लेकर खा लेंगे, बच्चे अगर रो रहे होंगे, बच्चों को भी इसराइली प्रोडक्ट्स लेकर हम जरूर दें। यार करना सिर्फ इतना सा काम है आप लोग, बायकॉट इसराइली प्रोडक्ट्स, सिंपल। इस बायकॉट, ये जो एक लफ्ज है ना बायकॉट, अगर इस पर आप लोग अमल कर लोगे, यकीन माने आप लोग काफी मुसलमानों की मदद कर सकते हैं जो जिन पर आज जुल्म हो रहा है फलस्तीन में। हमारे बच्चे हमें देखेंगे कि ये बंदे हमारे बड़े नहीं सोच रहे, तो हम क्या खाक सोचेंगे यार। नाम के मुसलमान होने से बेहतर है बंदा डूब के मर जाए। मेहरबानी करें आप लोग, खुदा का खौफ खाएं, अपने अंदर से इंसानियत जगाएं, कुछ पॉजिटिव सोचा करें यार। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं हमारे, अब वहाँ पे ईरान ने जंग स्टार्ट की हुई है। न्यूज़ आप लोग रोज़ सुनते होंगे, रोज़ टिकटॉक पर आप लोग वेले बैठ के ये यूं करते रहते हैं, आपके सामने न्यूज़ भी आती होंगी और भी बहुत सारी खबरें आती होंगी, आपको सब पता है कि क्या चल रहा है वहाँ पर। लोग भूख से मर रहे हैं, खाना नहीं है लोगों के पास खाने के लिए। कुछ खुदा का खौफ करें यार, सिर्फ आपने एक काम करना है, बायकॉट इसराइली प्रोडक्ट्स। ये एक छोटा सा कदम उठाने से ना वहाँ पे काफ़ी मुसलमानों की जान बच जाएगी। आप लोग क्यों नहीं सोचते कि यार आप एक प्रोडक्ट भी खरीदते हैं ना, उसका पैसा उन हथियारों में जा रहा है जिन हथियारों से मुसलमान बच्चों की जान जा रही है, जो मिसाइल उन पर मारे जा रहे हैं, आपके वही पैसा जो आप लोग उनके प्रोडक्ट्स लेने के लिए खरीदते हैं, वो उनके मिसाइल खरीदने में लगता है, वही मिसाइल मुसलमानों पर बज रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर गिराए जा रहे हैं। कुछ सोचें यार, कुछ खुदा का खौफ खाएं। तमाम मुसलमान सोए हुए हैं, दीनी मजहबी लोग नहीं हैं, सिर्फ मुसलमान कहलाते हैं, वही बेहतर हमसे कि वो लोग कम से कम स्टैंड तो ले रहे हैं यार, कम से कम स्टैंड ले रहे हैं। तो यार मेरे साथ आए आप लोग और इसराइली प्रोडक्ट्स को बैन कराएं, बायकॉट इसराइली प्रोडक्ट्स, ये मोटो लेकर मेरे साथ चले और मेरे साथ आए इसराइली प्रोडक्ट्स को बैन कराएं और बायकॉट करें। एक लफ्ज में इतनी ताकत है कि ये इतने मुसलमानों की जिंदगी बचा सकता है। बायकॉट इसराइली प्रोडक्ट्स एंड कम विद मी एंड अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें।